हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, पावर ग्रिड ईयर टू का जो सॉल्व एंड क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा था, किस किस क्वेश्चन आईडी पे कुछ प्रॉब्लम है, आप लोगों का कंफ्यूजन है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पब्लिश किए थे और इसके बाद ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो में जो जो प्रॉब्लम आपका था, जो जो क्वेरीज था, ठीक है, आपने जो जो कमेंट्स लिखे थे, जो जो क्वेश्चन आईडी लिखे थे, वो मैंने देखा। ठीक है, तो आज उसके रिगार्डिंग मैं सेकंड वीडियो करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आपका कुछ डाउट था। ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ, जो ग्राउंड होता है टावर का टॉप में रहता है, वो प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, कभी भी टावर को सपोर्ट करने के लिए काम कर। और जो कुछ ग्राउंड रॉड होता है, ठीक है, ग्राउंड रॉड होता है, वो टावर को सपोर्ट करता है। ग्राउंड रॉड, काउंटर पॉइंट, ये सब टावर के सपोर्टिंग के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ग्राउंड वायर जो है, हमारे डिजिटल पेन से थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो होता है कनेक्ट अ सर्किट कंडक्टर और द अदर डिवाइसेस टू एन अर्थ प्लेट, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन फोर नहीं होगा, ये गलत है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गलत है और आपको ये सब कंप्लेन करना है। ठीक है, मैंने देखा है, कोई शायद कोई कन्फ्यूजन था मेरे बोलने पे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन हो ये गलत है, उन लोगों का जो आंसर किया पूरा पूरा गलत है। ठीक है, चलो, और मैंने कभी नहीं बताया वो टावर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ग्राउंड रॉट टावर को सपोर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन तो होगा, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कुछ और नया क्वेश्चन आप लोगों ने बोला था, द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो, ये यूनिट टाइप प्रोटेक्शन है। ठीक है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूनिट टाइप का प्रोटेक्शन होता है, और अगर ये यूनिट टाइप का प्रोटेक्शन होता है तो बाहर से कोई भी एरर आए, बाहर से कोई भी फॉल्ट आए, तो ये इसको दिखता नहीं। ठीक है, इसका अंदर का ही जो फॉल्ट होता है वही इसको दिखता है। तो इसलिए परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो होगा, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर जो होगा, वो इंटरनल फॉल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल फेस ट्रैक्शन सिस्टम। देखो, सिंगल फेस ट्रैक्शन जो सिस्टम होता है, सिंगल फेस ट्रैक्शन जो सिस्टम होता है वो दो तरह की होता है। एक, किसी किसी कंट्री में, जैसा कि इंडिया, ठीक है, सिंगल फेस ट्रैक्शन अगर इंडिया पे अगर आप चले आओ तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 50 हर्ट्ज़ का होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एडवांस कंट्री जैसा कि स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, उन सभी कंट्री में 16/2/3 हर्ट्ज़ यूज़ किया जाता है फॉर हाई एफिशिएंसी 16/2/3 फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है। तो आप बोल नहीं सकते ये पूरा के पूरा गलत है। आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्री में एडवांस कंट्री में 16/2/3 यूज़ किया जाता है इस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाता है, लॉसेस घट जाता है, एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, तो चलो, ये और एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चैलेंज करने से फ़ायदा नहीं है, इस दोनों क्वेश्चन में चैलेंज करने से फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल डायग्राम। राइट, सर्किल डायग्राम में जो होता है, डायमीटर पूछा गया, डायमीटर जो होता है वो है स्टेटर वोल्टेज बाई ये वाला होगा एक्स एस प्लस एक्स रोटर प्लस एक्स रोटर एंड ये रहेगा करंट। ठीक है, तो ये स्टेटर करंट ही रहेगा। मैंने टेक्स्ट बुक से रेफ़र किया। मैं जब भी किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ तो मैं झट से टेक्स्ट बुक पे जाता हूँ, एमसीक्यू बुक पे नहीं। ठीक है, तो आपको भी चाहिए कि टेक्स्ट बुक पे आप चलो, तो टेक्स्ट बुक से आप रेफ़र करो तो यही वाला इक्वेशन आपको मिलेगा, वी एस बाई एक्स एस प्लस एक्स आर डैश। ठीक है, एक्स एस जो है वो रिएक्टेंस है स्टेटर पार्ट का, और एक्स आर डैश जो है वो है इम्पिडेंस ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर रेफर टू स्टेटर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन मुझे मिला, तो उससे मैं बता सकता हूँ जो डायमीटर है वो टोटल स्टेटर करंट है, ये मैं बता सकता हूँ। आपको अगर लगे नहीं मुझे कुछ एमसीक्यू बुक में कुछ और आंसर दिख रहा है, शायद कुछ एमसीक्यू बुक में ये दिख रहा है रोटर करंट रेफर टू स्टेटर, ये अगर दिख रहा है तो आप चैलेंज करो। ठीक है, इसमें मैं डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता चैलेंज करने का, नहीं, इतना डेटा मेरे पास नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 1 kWh। तो 1 kWh 36 × 10⁵ जूल, ये वाला आंसर होगा। ठीक है,
आपने बोला एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो मुझे तो दोनों ही दिखे अभी तक। ठीक है, ये वाला आंसर होगा 36 × 10^5 जूल, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक अकॉर्डिंग टू माय सजेशन इस मैंने देखो अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन तो नहीं देखा, जैसे आपका जो जो आईडी पे डाउट था वही देखा। ये वाला कंफर्म आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा के पूरा गलत है, और ये वाला क्वेश्चन पूरा चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, पूरा गलत है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो अभी चैलेंज जल्दी से जल्दी कर लो अगर टाइम है, और भी कुछ क्वेश्चन पे डाउट हो तो क्वेश्चन बताना नहीं है, आपको सिर्फ आईडी बताना है, आईडी लिखना है, क्वेश्चन आईडी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन आईडी आप आईडी लिखेंगे, मैं आईडी से झट से पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है, और अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे मैं ढूंढ नहीं पा सकता। ठीक, आप जो क्वेश्चन पे डाउट है उस आईडी को हमें दे दीजिए, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, और अपडेट रहने के लिए चैनल स्टडी गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।